જામનગરના લાલપુર બાયપાસ નજીક બિલ્ડર ગિરીશ ડેર પર ફાયરિંગની ઘટના સામે આવી છે। બે બાઇકમાં ત્રણ શખ્સો આવ્યા હતા અને તેણે ફાયરિંગ કર્યું હતું। સામે બિલ્ડરે પોતે પણ પોતાની પાસે રહેલા હથિયાર વડે ફાયરિંગ કર્યું હતું। जामनगर में लालपुर बायपास रोड पर आवेला बांधकामनी साइट पर आज सवारे आहिर अग्रणी अने बिल्डर पर अजाण्य शख्सोए फायरिंग करी घटना चकचार मची जवा पामी छे। जामनगर ना लालपुर बायपास नजीक आहिर अग्रणी अने बिल्डर पर फायरिंग की घटना सामे आवी छे, जेमां शहेरना बिल्डर गिरीश डेड पोतानी क्रिशा पार्क सोसायटी में पोतानी साइट खाते हाजर था त्यारे वाहन में आवेला अजाण्य शख्सोए बिल्डर पर आड़ेधड़ फायरिंग करू हतुं। सदनसीबे आरोपीए करेल फायरिंग में बिल्डर ने एक पण गोळी वागी ना हती। आ घटना ने पगले आरोपीओ तुरंत ज नासी गया हता। आ बनावना पगले एपीसी सहित एलसीबी एसओजी अने पंचकोसी बी डिविजन पोलिस नो स्टाफ तुरंत घटना स्थले दौड़ी गयो हतो। आ फायरिंग करनारना शख्सो कोण छे ते बाबतनो ताग मेळवा पोलिस द्वारा कार्यवाही आरंभ करी देवामां आवी छे। हाल तो पोलिस द्वारा बिल्डरनुं निवेदन नोंधी फरियाद नोंधावाना आरोपीओने पकड़वा जिल्लाभरमां नाकाबंदी करी देवामां आवी छे। तो बीजी तरफ चर्चाओ चाली रही छे ते प्रमाणे गत वर्षे जे प्रोफेसरनी कार पर जे फायरिंगनी घटना बनी हती ते आ कृष्णा पार्क वाळी जग्याने लईने ज નામચીન જયેશ પટેલના ભાડૂતી શખ્સોએ ફાયરિંગ કર્યું હતું તે દિશામાં પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે। लालपुर चौकड़ी पास कृष्णा पार्क सोसायटी में सवेरे लगभग 10:30 साम सामे फायरिंग की घटना सामे आवेली छे। एमां कोई ने पण कोई इंजरी के एवुं कंई नथी अने एनी फरियाद ने लेवानी तजवीज चालू छे। हर्षल खंधेड़िया नो रिपोर्ट जामनगर।